मैडम 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 विरोध मार छोड़ा है मैडम। करें क्या आपकी सरकार आपकी सरकार हत्यारी है कह रहा है। करें क्या आपकी सरकार हत्यारी है हत्या कराती है। देखिए बीते दिन कल यानी दिन गुरुवार को जिस तरह से बिहार विधानसभा घेराव मार्च के दौरान राजधानी पटना की सड़कों पर जो तस्वीरें देखी गई कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में लंबे समय के बाद यह दृश्य देखा गया। वहीं आज मॉनसून सत्र का आज पांचवा दिन है यानी आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन घमासान जो है विपक्ष और सरकार के बीच देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा घेराव के बीच भाजपा के जहानाबाद के महामंत्री के मौत के बाद बीजेपी ने एक एक सवालों का जवाब सरकार से मांगने का कोशिश कर रहा है। वहीं इन सब चीजों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी खुद हत्या करवाती है, वह किसी और से क्या जवाब मांग रही है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का। मैडम 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 विरोध मार छोड़ा है मैडम। करें क्या आपकी सरकार आपकी सरकार हत्यारी है कह रहा है। करें क्या आपकी सरकार हत्यारी है हत्या कराती है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि जिस तरह से राजधानी पटना की सड़कों पर दिन गुरुवार को जो दृश्य देखा गया कहीं ना कहीं आगे आने वाले राजनीति में ये बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं जो विधायक हैं एमपी हैं तमाम लोगों का जो है प्रदर्शन जारी है। यही नहीं आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के आज पुतला दहन भी होने वाला है। राज्यपाल से मिलकर के ज्ञापन भी सौंपने वाला है और तमाम चीज़ों में बस एक ही जिक्र है कि इन दिनों बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है हत्या हो रहा है लूट हो रहा है बलात्कार हो रहा है रोजगार के नाम पर सरकार जो है लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवा रहा है। तो तमाम सवालों का जवाब जो है सरकार से मांगने का कोशिश बीजेपी की ओर से है। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि बीजेपी खुद नौटंकी कर रही है सड़कों पर उतर कर और राजनीति कर रही है, इसका कोई असर नहीं आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन बता दें कि राजधानी पटना में जिस तरह से कल नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन द्वारा जो लाठियां बरसाई गई जो तांडव देखने को मिला कहीं ना कहीं इतिहास के बिहार की राजनीति में बहुत लंबे समय के बाद यह दृश्य देखा गया था। आपको याद होगा बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान किस तरह से राजद के विधायकों को अंदर से बाहर फेंका गया था। उसके बाद जो है वह कल यानी गुरुवार को तस्वीरें उस तरह की देखने को मिली। वहीं राजद हों या फिर जदयू हों कहना है कि बीजेपी जो है सड़कों पर उतर कर नौटंकी करवा रही है और जानबूझकर शिक्षकों पर जो है लाठियां बरसा रही है। और देखने वाली विषय होगी कि इसका क्या आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर असर पड़ता है। इसका बस इतना ही। बने रहे नेशन के साथ। धन्यवाद।